बावलो कहां से शुरू करूं आज, इतना सब कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा था और इमेजिन तक नहीं किया था, सोचा नहीं था इतना ढीला चलने वाला ये शो सीजन 2 द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 अपने लास्ट 8th एपिसोड में सारी शिकायतें दूर कर देगा जो पूरे सीजन में नहीं मिला, जिसे पिछले 7वें एपिसोड में हम ढूंढ रहे थे, वो सब कुछ एक साथ एक एपिसोड में मेकर्स ने डिलीवर कर दिया है। बाबा पता नहीं मेकर्स को क्या हुआ जो ये ब्रह्मास्त्र एपिसोड निकालकर हमारे सारे शक को दूर कर दिया। बाबा एक नहीं कई सारे मिंट का तड़का लगा कर दिया है जो डेफिनेटली थर्ड सीजन के लिए तड़पा कर गया है। भाई बैलरॉग को ढूंढ रहे थे सारे एपिसोड में, बैलरॉग मिल जाए, लेकिन यहाँ मिल गया। सौरन का असली रूप ढूंढ रहे थे कि यार ऑक्स के साथ कोलैब करे और फिर ये अपनी तबाही दिखाए, वो हो गया। न्यूमिनर में फेराजोन ने अलग तबाही मचा रखी और बाबा यकीन नहीं करोगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ऑल फेवरेट अपने बिलवर्ड गैंडाल्फ द ग्रे हमें मिल चुके हैं। बावा लोग पूरे सीजन का सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट था ये, मतलब इतनी खुशी तो मुझे अपने फर्स्ट किस में भी नहीं होगी शायद जितनी आज गैंडाल्फ को ओरिजिन को देखकर हुआ है। शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बकैती के, टाइम खोटी नहीं करेंगे। एपिसोड 8 गोल्डन एपिसोड था। लेकिन बाबा शुरुआत करने से पहले ही जो भी इस यूनिवर्स का फैन है एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दो उनको जिनको ये पसंद है लॉर्ड ऑफ द रिंग वाला यूनिवर्स। तो शुरुआत होती है बाबा खाजा दूम से, जहां प्रिंस ड्यूरिन और किंग ड्यूरिन के आपस में अनबन चल रही है, लड़ाई हो रही है क्योंकि वो माइनिंग करने से सख्त रोक रहे हैं। क्यों, कौन, प्रिंस ड्यूरिन? लेकिन किंग ड्यूरिन बाबा रिंग के जोर में दबा के माइनिंग कर रहे हैं और पावर फुल रिंग की मदद से उसने चट्टान भी तोड़ दी। मिथ्रिल तो उन्हें मिला ही मिला, ढेर सारा मिथ्रिल, लेकिन बोनस के साथ साथ इन्हें बैलरॉग भी मिल चुका है जिसने किंग ड्यूरिन को आते ही पेल दिया। और भाई गूजबम मोमेंट था ये, बैलरॉग को देखने के लिए पिछले एक महीने से वेट कर रहे थे क्योंकि इसकी चिंगारी फर्स्ट सीजन में लग चुकी थी, लेकिन अब जाकर 8th एपिसोड में उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन मानना पड़ेगा ये बोनस वाले बहुत ही ब्रेव होते हैं क्योंकि किंग ड्यूरिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर बैलरॉग के ऊपर कूद गया उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ मारा गया। सैड न्यूज। दूसरी तरफ बाबा एरेगियन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, ऑक्स अंदर घुस गए हैं और बुक के अकॉर्डिंग कैलिब्रिम्बोर जैसे मरा था वैसे ही मौत कैलिब्रिम्बोर की मेकर ने सेट करी है। बुरी तरीके से सौरन ने उसके शरीर को ढेर सारे तीरों के साथ छलनी कर दिया, उसके बाद एक भाला घोंप कर खंबे पर लटका देता है उसको बुरी तरीके से। देन तभी अडार और ग्लैडियल का मीटअप होता है और अडार सौरन के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए एल्फ्स का साथ मांग रहा है और यहां से लगा कि बाबा अब मजा आने वाला है क्योंकि हम सबका दुश्मन आफ्टरऑल सौरन है ना, तो इसके खिलाफ सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन सौरन ने ऑक्स को अपने साथ कर लिया था और उसने अडार को पेल दिया वैसे ही जैसे अडार ने सौरन को पेला था, यानी अडार के बच्चों ने ही उसे बुरी तरीके से मारा है। सेम जो हमने इस सीजन के स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था सौरन को कैसे मारा था अडार ने और उसके बच्चों ने तलवार घोंप कर बुरी तरीके से शरीर छलनी किया था, सेम मौत दी है सौरन ने भी अडार को, उसका पूरा शरीर छलनी छलनी कर दिया। लेकिन बाबा अडार बेस्ट कैरेक्टर था, थोड़ा सा दुख हुआ, उसका दी एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था। यहाँ ग्लैडियल और सौरन की फिर 1-on-1 बैटल होती है और सौरन ग्लैडियल के साथ लड़ नहीं रहा था, खेल रहा था, प्रैक्टिस मैच जो होता है ना वैसा, सिंपल, मतलब ठीक थी लड़ाई, कॉम्बैट बैटल के आसपास जैसे लगी नहीं क्योंकि एक तरफा था। सौरन काफी ताकतवर था, बकचोदी ज्यादा लगी और कुछ नहीं, बस सीधी सी बात। सौरन आसानी से मसल सकता था उसे, लेकिन खिला खिला कर मारा उसे ग्लैडियल को। और फिर बाबा दूसरी तरफ न्यूमिनोर में तो कहानी ही अलग चल रही है, कहानी ने ही मोड़ ले लिया। मिरिल का एंशियंट ट्रायल देने के बाद, यानी वालार ट्रायल देने के बाद भी भाई कुछ हासिल नहीं हुआ यहाँ क्योंकि फेराजोन ने तख्ता पलट कर दिया है और सबको चुन चुन कर मार रहा है जो उसके खिलाफ हैं, जो मिरिल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उस वालार ट्रायल के बाद काफी लोग ये मानने लग गए थे कि मिरिल ही ट्रू क्वीन है क्योंकि उसे वालार ने चुना है। लेकिन अपने कप्तान एलेंडिल भाई को भी बड़ी मुश्किल से मिरिल ने कन्विंस किया है और उसने न्यूमिनोर से उसे फिलहाल के लिए भगा दिया है। लेकिन सैड न्यूज इज दैट इसिल्ड्यूर बेवकूफ न्यूमिनोर को वापस जा रहा है, वो भी किसके साथ, फेराजोन के बेटे के साथ, क्योंकि उसने प्लारगिल में आकर तानाशाही स्टैब्लिश कर दी और वहाँ के लोगों को मजबूर करा कि तुम हमारे लिए काम करो लेकिन हम तुम्हें कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रॉमिस नहीं करेंगे और प्लारगिल अब न्यूमिनोर का साथी भी नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक था ये पार्ट भी। एंड बाबा इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रूम में हुआ, अपने स्टार को नया नाम मिल चुका है, नई पहचान मिल चुकी है, जो फर्स्ट स्टूअर्ट का द्वारा उसने ग्रैंड एल्फ कहा गया है क्योंकि उन्होंने कभी एल्फ नहीं देखा था तो उसे वो सिर्फ ग्रैंड एल्फ ही कह रहे हैं क्योंकि अपने गैंडाल्फ ने इन सब को डार्क विजार्ड से थोड़ी देर पहले ही बचाया था, जो अपने गैंडाल्फ को लेने के लिए आया था अपने साथ, लेकिन उसने रिफ्यूज करा और इसके बदले में डार्क विजार्ड ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया, यानी पत्थर उसके ऊपर बरसाने लग गए थे सारे स्टूअर्ट्स के ऊपर। लेकिन अपने हीरो भाई ने यहाँ सेवियर, अपने गैंडाल्फ द ग्रे सेवियर ने सबको बचाया और यहाँ पर, यहाँ इनको नाम दिया गया ग्रैंड एल्फ,
और बाद में जाके ये गैंडाल्फ बन जाएंगे। और बाबा यहाँ पर इनकी जर्नी होती है सफल कैसे, क्योंकि इन्हें अपनी जादुई छड़ी भी मिल चुकी है। तो सीजन 3 भाई दमदार होने वाला है और भयंकर होने वाला है। दूसरी तरफ इरेगियन की वॉर में एल्फ्स हार चुके हैं और अपने ग्लेडियल भाई मरते मरते बची है, उसे वापस जिंदा किया जाता है एल्वल रिंग नैन्या और विलिया के द्वारा। सौरन ने अपनी न्यू आर्मी तैयार कर ली है ऑक्स को अपने साथ मिलाकर, और इरेगियन को तबाह करके वो आगे बढ़ चुका है मिडिल अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, और उसे 9 रिंग भी मिल चुकी है जो मॉर्टल मैंस में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और मेन लेफ्टिनेंट सौरन के ये 9 मॉर्टल मैंस ही होते हैं, क्योंकि एल्फ्स और ड्वार्व्स को इन रिंग्स की फैटेलिटीज के बारे में मालूम है कि ये किस हद तक घायल कर सकती हैं किसी को भी। तो गिलगैलिड यहाँ दोबारा से राइज हो रहा है, एल्फ्स आर्मी इकट्ठी करेगा और दोबारा से सौरन को रोकेगा। गैंडाल्फ को अपनी छड़ी मिल चुकी है, अपना नया नाम मिल चुका है और ये अपनी नई जर्नी शुरू करने वाला है। खाजा दूम में नया किंग अपना प्रिंस ड्यूरिन जो बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैलरॉग जो जग चुका है, अभी ने इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि बुक की माने तो ये बैलरॉग ही है जो आगे जाकर इन बौनों की धज्जियां उड़ाएगा। तो अभी तक तो जो हम देख रहे थे वो सब ट्रेलर ही था। मेन कोर्स तो अब हमें थर्ड सीजन के बाद मिलना शुरू होगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जहां तहां हमें जंग और जंग ही देखने को मिलने वाली है। अच्छा, इस बैलरॉग का नाम भी है कुछ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मैंने बैलरॉग वाली जो वीडियो थी जहां मैंने बैलरॉग को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, वहां पर भी नाम बताया था। तो जिसको भी मालूम है बाबा नीचे कमेंट उसको जरूर बता के जाना, निराश मत करना, और जो कोई भी नया हो जिसे भी मालूम हो भाई जरूर बता के जाना। बाकी अभी लेते हैं अलविदा, और लॉर्ड ऑफ द रिंग यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियो आपको यूं ही लगातार मिलती रहेंगी। सीजन 2 खत्म हुआ है, हम खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत कुछ मामला अभी छुपा पड़ा है जो मैं आपके सामने मिथ्रिल की तरह लेके आने वाला हूँ। सौरन का ओरिजिन फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसका सेकंड पार्ट मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, तो जिसने वीडियो देख ली वो समझ आ ही आया होगा। बाकी फिर से कहूंगा भाई एपिसोड 8 सुपर सुपर सॉलिड था, क्योंकि अपने गैंडाल्फ भाई हमें मिल चुके हैं। तो आपने भी अगर सीजन 2 का ये लास्ट एपिसोड देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।